हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ अतुल कुमार सिंह। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो साइंस के लहजे से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द साइंस। ओके, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम कितना जानते हैं और उसका वर्क क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप लोग समझेंगे उस चीज़ को कि नहीं, किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम, ये टॉपिक है हमारा आज का। नर्वस सिस्टम का वर्क एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो एक टेलीफोन के नेटवर्क की तरह कनेक्ट होता है, जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कमांड और कंट्रोल करता है। क्या करता है? कमांड और कंट्रोल करता है। इसका सबसे मेन फंक्शंस जो होता है वो हमारी बॉडी को एग्जैक्टली हर चीज़ में बैलेंस करता है, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारी भूख हो, चाहे वो हमारी प्यास हो, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल और कमांड करता है। ठीक है, और इस नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? एक्चुअली जो हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है वो तीन पार्ट्स पे, जिसके जो तीनों पार्ट हैं वो है ब्रेन, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है नर्वस। ठीक है, तो आज बच्चों हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट टॉपिक लेके चलते हैं कि ब्रेन का वर्क क्या होता है, ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है और ये हमारी बॉडी पे किस तरह से काम करता है। तो आज हम ब्रेन के बारे में एक थोड़ा सा चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का क्या होता है, सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। ओके, तो ब्रेन इज़ द मास्टर कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, जो कि नर्वस सिस्टम से अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन के यहाँ पे जो एक छोटी सी डिफिनीशन होती है कि ब्रेन होता क्या है और वर्क कैसे करता है। तो ब्रेन क्या करता है? हमारे ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। ओके, और ये हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी में ब्रेन टेक्स पार्ट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, चाहे वो ब्रीथिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो टॉकिंग हो, इन सारी चीज़ों में, इन सारी एक्टिविटीज़ में ब्रेन क्या करता है? पार्ट करता है। क्या करता है? पार्ट करता है। ओके, तो ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर है हमारी बॉडी का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन इज़ द सीपीयू ऑफ आवर बॉडी। ओके, और ब्रेन नर्वस सिस्टम का, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। ओके, पार्ट तीन हमने डिस्कस किए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस, लेकिन आज जो है हम सिर्फ ब्रेन पे डिस्कस करेंगे कि ब्रेन का वर्क क्या होता है, कितने पार्ट्स में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का सीपीयू होता है, कंट्रोल और कमांड करता है, ठीक, हमारी बॉडी को। और हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की हो, चाहे वो थिंकिंग की हो, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू क्या होती हैं, कमांड होती हैं और कंट्रोल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता हो गया होगा। अच्छा, जो ब्रेन होता है बेटा, ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये ब्रेन पूरा जो होता है हमारा, वो बहुत ही स्पेशल सेल से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है बेटा? स्पेशल सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, इन न्यूरॉन्स का जो नंबर होता है हमारे ब्रेन में, वो मोर देन
100 मिलियंस मोर देन 100 मिलियंस। अब सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन का, ओके। और जो हमारे ब्रेन का वेट होता है बेटा, वो नियर अबाउट 1.2 to 1.4 kg होता है। कितना? 1.2 to 1.4 kg। और न्यूरॉन्स का जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है, वही जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को चलाती हैं, ओके। तो ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कमांड करता है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो बना होता है वो छोटे छोटे स्पेशल सेल से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, ओके। तो बच्चों, अब ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। उन तीन पार्ट को हम बताएंगे कि उन तीन पार्ट को हम क्या कहते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो ये ब्रेन हमारा जो होता है बेटा, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में वर्क करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा, वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, ओके। इट इज़ द बिगेस्ट एंड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ द बिगेस्ट एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का 85% पार्ट जो कंसिस्ट होता है, वो किससे होता है? सेरिब्रम से, ठीक है। ये हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, नियर अबाउट 85%, ओके। अब सबसे बड़ा पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि सबसे स्पेशल वर्क होगा, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सेरिब्रम को हम थिंकिंग पार्ट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। व्हाट? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। अब सेरिब्रम के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जाएंगे बेटा, और सेरिब्रम का डिफिनेशन, इसके वर्क, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इज सेरिब्रम, ओके। तो सेरिब्रम, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, इट इज़ द बिगेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। इट इज द बिगेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, और इट मेक्स अप टू 85%, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, ऑफ आवर ब्रेन वेट, ओके। 85% पार्ट जो होता है वो किसका होता है? सेरिब्रम का। इसका वर्क क्या होता है? ओके, इट इज ऑल्सो थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। इसे हम थिंकिंग पार्ट भी कहते हैं, और थिंकिंग का मतलब जितनी भी तर्क शक्ति, जितनी भी थिंकिंग, जितनी भी स्मरण शक्ति, रिमेम्बरिंग पावर, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? सेरिब्रम से आती हैं। किनसे आती हैं? सेरिब्रम से आती हैं, ओके। तो सेरिब्रम का वर्क क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। अब जो हमारा सेरिब्रम होता है बेटा, वो कनेक्ट होता है हमारे सारे सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन पांच होते हैं, स्पेशली
जिन्हें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं तो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो हमारे सेंस ऑर्गन के नर्व्स होते हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं किससे? सेरिब्रम से। सेंस ऑर्गन हमारा होता है माउथ, ईयर, आइज, टंग, स्किन, नोज। पांच हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारे सेरिब्रम से कनेक्ट होते हैं। ओके, अब किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, इफ़ यू थिंक दैट दिस थिंग इज हॉट और कोल्ड, देन हाउ कैन यू सेंस इट फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स? ओके, तो सेंस ऑर्गन का वर्क क्या होता है कि हर चीज़ को वो सेंस करके हमारे माइंड को बताता है, और माइंड में ये सारी चीज़ें कौन करता है? सेरिब्रम करता है। सिंपल सा वर्क होता है कि थिंकिंग पावर, रिमेम्बरिंग पावर, तर्क शक्ति, सारी चीज़ों को कौन हैंडल करता है? हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक, इसका वर्क हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। द वर्क ऑफ सेरिब्रम इज, क्या पहला मैंने बताया? थिंकिंग, रिमेंबर, फील, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू फील होता है कि चीज़ें पास हैं, दूर हैं, ठीक है, टेस्ट को फील करता है, ओके, कलर्स को फील करता है, किन कलर का है, ओके, साउंड को फील करता है, ठीक। तो सेंस ऑर्गन के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फील होती हैं। ओके, तो ये हमारी, और नॉलेज,